हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज काफ़ी टाइम बाद मैंने एक पर्सनल वीडियो बना के अपलोड करूंगा आप सभी के लिए, जिसमें कि मैं बताऊंगा आप सभी को कि हमें क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर किस पोजीशन में, कितनी स्पीड में, कितने प्रेशर से, पैर से दबाना चाहिए। दोस्तों, कई दिनों से मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स आ रहे थे, शायद आप लोगों ने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे कई बाहर बाहर कंट्री से कॉल्स, मैसेज यूट्यूब पे आ रही थी, कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर आप एक बार पर्सनल वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करें, जो कि मैं सब लोग देखूँ उसको और मैं चीज़ों को समझें। तो दोस्तों, अभी तो मैं फ्री था 10 मिनट के लिए, स्टूडेंट वो आने में थोड़ा सा लेट है, ठीक है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बताएं कि हमें कैसे क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज करना चाहिए और कैसे हमें स्टीयरिंग पकड़ना चाहिए। जैसे कि कई लोग स्टीयरिंग को पकड़ते हैं, वो बहुत ही हार्ड उसको पकड़ते हैं, बहुत ही हार्ड तरीके से उसको घुमाते हैं और बहुत स्पीड में, ठीक है। तो कई जगह की बताने में भी कन्फ्यूज़न होती है और स्टूडेंट को यूज करने में भी कन्फ्यूज़न होती है। कई बार क्या होता है कि कई टर्निंग पे होता है कि स्लो स्लो घुमाना होता है, कई टर्निंग पे स्पीड में घुमाना होता है। तो अगर स्टूडेंट को पहले की टर्निंग पे बताओ कि स्लो स्लो घुमाना, तो आगे चल के अगर स्पीड में घुमाना है तो वो भी स्लो स्लो घुमाता है। तो दोस्तों, हर एक जगह पे ये ड्राइविंग होती है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा ये ड्राइविंग होती है। इसको ड्राइविंग करते वक्त हमें हर एक जगह पर सिचुएशन अलग अलग होती है, हमें किस रास्ते पर, किस ट्रैफिक में, किस स्पीड में, हमें कैसी सिचुएशन होगी, वो जा कर के वहाँ पता होगा। वैसे तो मैं आप सबको बताऊंगा कि हमें कैसे कार को चलाना चाहिए। आइए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि हर एक वीडियोस मेरे YouTube चैनल से सारी जुड़ी हुई बातें आप तक पहुँची जाएँ। तो दोस्तों, अभी मैं फ्री था 10 मिनट, मैं आप सबको बताऊँगा बहुत ही बेसिक से बताऊँगा कि कार को हमें चलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, आप सब बने रहिएगा, और अगर आप लोगों को कुछ और भी मुझे पूछना है आप लोगों से कार ड्राइविंग, मैकेनिक वर्क, सेकेंड हैंड कार के वाले, तो आप मुझे कॉल्स, कमेंट्स ज़रूर करके पूछ सकते हैं। अगर मैं फ्री पर टाइम निकाल के ज़रूर आप सभी को कमेंट्स में बताऊंगा, या फिर वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेंगे, उस पर आप सब देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब देख रहे हैं मेरी कार अभी खड़ी हुई है, स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, स्टूडेंट नहीं है। तो हम आप सभी को बताएंगे, 5 से 10 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है। दोस्तों, ये मेरी अल्टो कार है, जिससे कि मैं ट्रेनिंग देता हूँ, जो कि मेरे पास अल्टो 3 कारें हैं, ठीक है। अल्टो ही कार मैंने रखा है, तीनों अल्टो कार पावर स्टीयरिंग है। इसका जो मॉडल है 2007 मॉडल है, पावर स्टीयरिंग है, पावर ब्रेक है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, आप सभी को बताएंगे कि हमें कैसे कार को चलाना होता है। सबसे पहला पॉइंट हम आप सभी को बताएंगे कि हमें गियर पैटर्न कैसे चेंज करना चाहिए, गियर हमें कैसे चेंज करना चाहिए। दोस्तों, अभी मैं अपनी कार में बैठ गया हूँ, ठीक है। अब हम आप सबको बताएंगे कि हमें गियर पैटर्न कैसे लगाना चाहिए, गियर कैसे हमें शिफ्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कार का इंजन बंद हो या फिर ऑन हो, ठीक है, इंजन स्टार्ट हो। तो हमें अगर कभी गियर को चेंज करना है, गियर को शिफ्ट करना है, या फिर गियर को चेक करना है, तो हमें क्लच जरूर दबाना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हमने क्लच को दबा लिया, ये मेरा गियर है, ठीक है। अभी लेफ्ट में आगे फर्स्ट गियर, ठीक है। क्या होता है कि तीन गियर लेफ्ट में होते हैं, ठीक है, मतलब कि 3 गियर आगे होते हैं, 3 गियर पीछे होते हैं, 2 गियर लेफ्ट में होते हैं, 2 गियर बीच में होते हैं, 2 गियर राइट में होते हैं, 6 गियर होते हैं। लेफ्ट में आगे फर्स्ट गियर, लेफ्ट में पीछे सेकंड गियर, ठीक है। ये गियर अभी हमारा न्यूट्रल है। दोस्तों, लोग कहते हैं कि लेफ्ट में जैसे कि हमने फर्स्ट गियर अगर लगा दिया है, तो फिर वो सेकंड गियर उसी के सीधे स्ट्रेट पिच हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं, गलत। अगर हमें फर्स्ट और सेकंड गियर लगाना है, तो हमें लेफ्ट में ही लगाना पड़ेगा, लेफ्ट में करके ही उसको हमें गियर को शिफ्ट करना होगा। अगर आप लेफ्ट में नहीं करोगे, सीधे पीछे या सीधा स्ट्रेट करोगे, तो फिर वो थर्ड और फोर्थ गियर ही लगेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर मैं इसको लेफ्ट किया तो देखिए, ये मैंने छोड़ दिया, ये अपने आप बीच में आ गया। अगर मैंने इसको राइट किया, अगर मैंने इसको राइट किया, तो ये अपने आप बीच में आ गया, देखा। तो इसलिए जब भी कभी हमें थर्ड और फोर्थ लगाना, तो सीधे स्ट्रेट में आप लगा सकते हो गियर को। अगर हमें फर्स्ट और सेकंड गियर लगाना, तो हमें उसको लेफ्ट करके लगाना होगा। अगर हमें रिवर्स या फिफ्थ गियर लगाना, तो उसको हमें राइट में करके ही लगाना होगा, ठीक है। देखिए, लेफ्ट में आगे फर्स्ट गियर, जब भी कभी फर्स्ट गियर लगाएं, वैसे लेफ्ट में आगे फर्स्ट गियर, लेफ्ट में पीछे सेकेंड गियर, और अगर थर्ड गियर लगाना, तो पहले न्यूट्रल हुआ, फिर सीधा स्ट्रेट, ये थर्ड गियर आपका हो गया, ठीक है। अगर हमें फोर्थ लगाना, तो फिर हमारा सीधे ही लगेगा स्ट्रेट, ना तो राइट किया, ना तो लेफ्ट किया। अभी मैंने फिर से इसको न्यूट्रल करके और फिर थर्ड गियर लगा दिया। अगर थर्ड से सेकंड लगाना, पहले पीछे, फिर लेफ्ट, फिर पीछे, ये सेकंड गियर हो गया, ये गियर हमारा न्यूट्रल हो गया।
ठीक है, अगर हमें थर्ड गियर से फर्स्ट लगाना, तो पहले तो मैंने पीछे किया, फिर लेफ्ट किया और फिर आगे कर दिया, ये मेरा फर्स्ट गियर हो गया दोस्तों। दोस्तों ये रही मेरी स्टीयरिंग, ठीक है, जिसकी जो कि मेरी कार में पावर स्टीयरिंग है, मैंने आईपॉप भी लगा के रखा है ताकि स्पीड में और एक हाथ से टर्न करी जा सके, ठीक है। तो दोस्तों स्टीयरिंग को हमें जब भी कभी फोकस करना होता है, ज़्यादातर करके तो राइट हैंड से फोकस करना होता है, राइट हैंड से ही इसको फोकस करना होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है वो सपोर्ट के लिए होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड जो होता है वो हमारे गियर को चेंज करने के लिए होता है बस। राइट हैंड से हम लोग हॉर्न भी बजा सकते हैं, राइट हैंड से हम लोग स्टीयरिंग भी संभालेंगे, राइट हैंड से हम लोग सिग्नल का भी यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों स्टीयरिंग को जब भी कभी हमें पकड़ना चाहिए तो 90 डिग्री में, एक तो इधर और एक उसी के बिल्कुल सामने, यहाँ पे दोनों लेफ्ट हैंड इधर होना चाहिए, राइट हैंड इधर होना चाहिए, ठीक है। कई लोग होते हैं ना स्टाइल में ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना होता, वैसे अगर आप पकड़ोगे तो आपको टर्निंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं आपको सभी को बताऊंगा कि क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, ये देख लें, यहाँ पे दोनों पैर हो गए मेरा राइट लेफ्ट पैर, राइट लेफ्ट, ठीक है, ये मेरे दोनों पैर हो गए, ठीक है, ये मेरा एक्सीलेटर हो गया, ये मेरा ब्रेक हो गया, ये क्लच हो गया। ए फॉर एक्सीलेटर, स्पीड बढ़ाएंगे राइट वाले पैर से, बी फॉर ब्रेक, राइट वाले पैर से हम लोग ब्रेक लगाएंगे, स्लो करेंगे, कार खड़ी करेंगे, ये मेरा क्लच है, लेफ्ट पैर से हम लोग क्लच दबा करके और गियर को चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब भी कभी हमें ध्यान दीजिए, आप राइट वाला जो पैर होता है उसको मैं बहुत ही कम, कई लोग तो उसको पूरा दबा देते हैं, ऐसे नहीं, राइट वाला पैर पूरा दबा देता है, ऐसे नहीं, उसको हमें बहुत ही हल्का हल्का, बहुत ही स्मूथ स्मूथ, बहुत हल्का हल्का दबाना चाहिए, चाहे तो वो एक्सीलेटर हो या ब्रेक हो, चाहे तो वो एक्सीलेटर हो या ब्रेक हो, उसको जब भी कभी हमें राइट वाले पैर को यूज करना है तो बहुत ही हल्का का दबाना। हाँ दोस्तों आप लोग क्लच को पूरा दबा सकते हो एकदम से, क्लच को पूरा एकदम से दबा सकते हो, बस क्लच को छोड़ना आराम आराम से होता है, ठीक है, क्लच को छोड़ना बहुत ही स्लो स्लो होता है, फर्स्ट ईयर में कोशिश करना होता है कि फर्स्ट ईयर में बहुत ही स्लो स्लो क्लच हमें छोड़ना चाहिए। उसके बाद अगर कोई सा भी गियर आप लगाते हो तो उसमें आप जल्दी भी छोड़ सकते हो। तो दोस्तों आप सभी ने अभी तक देखा कि हमने एक वीडियो बनाया और इसमें मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें बताएं, दोस्तों आप सब इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है, आगे फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।